हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के 4:45 हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं कानपुर। तो और यहाँ पर हम रेडी हो गए हैं सुबह जाने के लिए स्टेशन, और हम सुबह सुबह निकल गए थे। कोई भी एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था कि बाहर पर कोई दिख रहा हो कि हाँ हम अकेले जा रहे हैं। और काफ़ी अंधेरा था वैसे, काफ़ी उजाला हो जाता है इतने टाइम तक, बट थोड़ा सा मौसम ख़राब है इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। एंड ये मेरा कुली मेरा बहुत अच्छे से बैग उठाता है। यहाँ हमारे घर से थोड़ी दूर चलते ही हमें ऑटो मिल जाती है। स्टेशन भी बहुत ज़्यादा पास में है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऑटो से 5 मिनट भी नहीं लगता है और स्टेशन आ जाता है हमारा। और काफ़ी पॉश एरिया है, ग्रीनरी है, तो खुला खुला सा लगता है। देखिए, घर से निकले थे तब उजाला नहीं लग रहा था और बस वहाँ जाते जाते ऐसा लग रहा है कि उजाला हो गया है। तो स्टेशन भी पास में है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, कि अगर आप चाहो तो पैदल पैदल भी आ सकते हो, किसी को आना है तो आ सकता है घर। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा जल्दी निकल आए थे, घर पे फ्रिज वगैरह नहीं है तो दूध वगैरह भी नहीं रखते हैं क्योंकि ख़राब हो जाता है गर्मी में। तो हम आए हैं बाहर चाय पीने, ट्रेन में भी टाइम था तो सोचा चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जनाब जी चले गए चाय लेने एंड हम वेट कर रहे हैं। और सुबह सुबह ऐसे निकलो और चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, और मुझे थोड़ा सा जुकाम बुखार भी था तो चाय अच्छी लग रही थी। तो हमने चाय पी ली, अब जा रहे हैं हम अपने गंतव्य स्थान की ओर, हमारी ट्रेन के पास में। और ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था, हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा आउटर में बैठते चल के, मतलब जहाँ पर शेड वगैरह नहीं होता, खुला खुला सा होता है ना, मुझे वहाँ बैठना बहुत पसंद है। और इनको डर लग रहा था कि कोई इनके रेलवे डिपार्टमेंट का ना मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जगह थी कि यहाँ पर सब रेलवे जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो मिलते। और हमारे बीच में ये एक नदी पड़ती है, बहुत सुंदर व्यू लग रहा था ये ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन निकली, एंड आसपास का व्यू बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मौसम तो था ही अच्छा, बस मन कर रहा था बाहर थोड़ा सा निकल करके घूम के आ जाए, बट ट्रेन नहीं रुकवा सकते ना। वैसे झांसी के जब आसपास का व्यू देखो तो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ हम पहुँच गए अपने गोविंदपुरी स्टेशन। तो कानपुर आते ही पता चल जाता कि हम कानपुर आ गए हैं। देखिए, सामने एक ऑटो वाले ने ऑटो वाले की सवारी उतार ली और लड़ने लगे, और यहाँ हम घर आ गए हैं। और हमारे गुगलू जी हमको देख करके पहले तो खूब नाचे, घूमे, दौड़े, उसके बाद जाकर एक जगह बैठ गए। और जैसे ही मैं बैठूंगी वैसे उठ के आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा प्यार करूँ, थोड़ा सा खिला लूँ, उसके बाद इनको थोड़ा शांति होती है। इतने दिन बाद देखा, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया इसे। और ये आज का नहीं, अगर मैं एक दिन बाद आऊँ तब भी ये हाल है, अगर मैं महीने भर बाद आऊँ तब भी ये हाल है, मैं घर से बाहर गाऊँ और फिर आ जाऊँ तो भी यही हाल होता है। और ये मेरे भाई को थोड़ा सा डरता है, तो वो आ गया तो वो जाके झुक के बैठ गया, वरना फिर अभी मेरे पास आ जाएगा, जैसे ही हटेगा वैसे आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे घर में था रुद्राभिषेक और भाई का बर्थडे, तो इस वजह से हम लोगों को जल्दबाजी में निकलना पड़ा, क्योंकि हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था रुद्राभिषेक कराने का, और पापा भी घर पे नहीं थे तो लोग पहले से आ गए, एक दिन पहले आ गए थे, और पापा ने सारी तैयारियां करके रख दी थी, सिर्फ हमें आना था। और हो गए हम यहाँ पर रिलैक्स, सुबह 4 बजे उठे थे तो थोड़ा सा मूड ऑफ लग रहा था, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। मैंने अभी तक हेयर ऑयल, मतलब ये हेयर वॉश नहीं किया, हेयर ऑयल लगाया था अभी तक वॉश नहीं किया है, अब इसे हम कल ही वॉश करेंगे पूजा के सुबह। और यहाँ पर हम फ्रेशन अप हो गए, दोपहर में सारा काम कर लिया, रात में हम लोग मार्केट निकले, जस्ट बिकॉज याद आया कि कल हमारे यहाँ ट्यूसडे है और ट्यूसडे को बंद रहती है पूरी मार्केट, तो हम लोगों ने रात में सोचा जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेते हैं। तो कुछ कपड़े लेने थे किसी को देने के लिए, एंड यहाँ पर हमारी मेवा कट रही है, हम मेवा काट रहे थे बैठ करके,
सर इतनी तेज़ दर्द हो रहा था, मूड थोड़ा सा ऑफ ऑफ लग रहा था। सारी हमारी मेवा कटी, रात में तैयारी करते करते 12-1 बज गया था, क्योंकि हम मेरा ये था कि पहले एक दिन पहले सारी तैयारियां हो जाए, सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा करके नहाना रहे। तो सारी मेवा वगैरह काट करके रख दी थी, सारे फ्रूट्स फल सब धुल करके रख दिए थे, सुबह बस तैयार होना रहे। और बेलपत्री छाटनी पड़ी थी सुबह, तो बहुत आफत आ गई थी। और बाकी मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, तो मम्मी खाना बना रही थी, भाई लोग कुछ तैयारी कर रहे थे, सब अपने काम में लगे हुए थे। हाँ, और इसके बीच में अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं या जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और वॉच करता है, तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर ले यार, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है। और हाँ, मुझे एक फॉलोवर मिल जाएगा, एंड मतलब ऐसा नहीं कि फॉलोवर मिल जाएगा, एक फैमिली बन जाती है उससे, कि हाँ मेरे पास इतनी फैमिली हो गई है। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में हैंडल है deepsun_prajapati, वहाँ पर मैं रील्स बनाती हूँ और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पर भी जा कर के फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर हमारी मेवा कट चुकी है, उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं सारी तैयारी देखने, और यहाँ हम काम में लगे हुए हैं। ये दोनों देखो, मतलब मेरे घर में हर कमरे में बेड पड़ा है, लेकिन इनको चटाई बिछा करके सोने का बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं वीडियो बना रही हूँ तो अपने सब हाफ पैंट में, तो सब चद्दर ओढ़ने लगे। और मैं जितनी बार जहाँ भी जाऊँगी ना, मेरा ये डॉगी मेरे पीछे पीछे जाता है। मैं जिस कमरे में जाऊँगी, जहाँ पर सोऊँगी, वहाँ पर ये मुझे मिलेगा। और यहाँ मैं सारी सब्जियाँ वगैरह सब देखने आई थी कि क्या है क्या नहीं है। तो नीचे हॉल है, और जो हम लोग कभी यूज़ नहीं करते, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है ये सब। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ देख लिया, सब ठीक ठाक है। जो चीज़ खुली हुई नहीं रखी थी, अभी इनको ये भी चेक करना है। यहाँ पर ये भी आए हुए, तो चने फूले या नहीं फूले ये सब देखना था, क्योंकि सुबह फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सारा सामान निकाल करके खोल करके रख दिया, क्योंकि कुछ सामान ऐसा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में चेक कर लिया कि सुबह ज़रूरत पड़े और पता चले सामान ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने सारा सामान चेक कर लिया है, सब कुछ ओके था, और बस इतना ही था, रात में इतना ही काम बचा हुआ था। और इनको ये मेरे पीछे पीछे तब तक टहलता रहेगा जब तक हम सो नहीं जाएंगे, सोएंगे तब भी हमारे बगल में ही जाके सोएगा। और यहाँ पर हमारा कुछ फर्नीचर का काम चल रहा है, तो अभी सारा ऐसे ही फैला हुआ है। तो ये हमारे पीछे का हॉल है, जो हम लोग कभी यूज़ नहीं करते, बस कभी कामकाज में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर रूम सारे खाली पड़े हुए हैं, तो बस मुझे एक बार चेक करना था सब साफ़ सुथरा है या नहीं है, सब सारे रूम साफ़ हैं, तो बस वही चेक कर रही थी। अब इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए तो मैंने थोड़ी सी पेडिग्री निकाल के दी, और ये खा रहे हैं। अब ये खा लेंगे तब हमें जाना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।